नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ एकदम क्रिस्पी चटपटा कुरकुरा बैगनी, जिसे बैगन का पकौड़ा भी बोलते हैं। तो चलिए बैगनी बनाना शुरू करते हैं। बैगनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बैगन को धो करके अच्छे से पोंछ ली थी, यानी इसका पानी अच्छे से पोंछ कर सुखा लेंगे। इसके बाद बैंगन का डंठल इस तरह से काट करके हटा देंगे और बैंगन को बराबर से बीचों बीच काटेंगे। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से। अब इस बैंगन के टुकड़े को लंबा इस तरह से एक बार और काटेंगे। तो इसे काट करके दो टुकड़ा बना लेंगे, यानी हम एक बैंगन को चार टुकड़ा में कट करेंगे, या फिर आप इसे आठ टुकड़ा में भी काट करके बना सकते हैं। तो बैंगन को इस तरह से लंबे लंबे टुकड़े में काट लेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को एक और बैंगन काट करके दिखा रही हूँ। तो इस तरह से पहले बैंगन का डंठल काट करके हटा देंगे और बैंगन को बराबर से बीच में इस तरह से चीरा लगाएंगे और इसे लंबा लंबा चीरते हुए इसका चार टुकड़ा बना लेंगे। तो यहाँ पर एक भी बैंगन खराब नहीं था, तो हमने यहाँ पर सभी बैंगन अच्छे और फ्रेश वाला लिए थे। तो चलिए इसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक बड़ा सा मिक्सिंग बोल, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक कप बेसन, और इसी के साथ इसमें डालेंगे एक चम्मच चावल का आटा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर और आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। तो मैं इसमें सिंपल ही मसाला डाल रही हूँ। अगर आपके पास और कोई एक्स्ट्रा मसाला हो तो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसमें गरम मसाला डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। सारे मसाले डालने के बाद बेसन को एक बार अच्छे से मिला लेंगे। अब बेसन में आधा कप के करीब पानी डालेंगे और पानी को बेसन में अच्छे से मिलाएंगे। तो यहाँ पर हम नॉर्मल पानी ही डालेंगे, गर्म पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो बेसन को अच्छे से घोलेंगे और बेसन का एक गाढ़ा सा घोल बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए हमने बेसन को बस इतना ही गाढ़ा रखे है। तो यहाँ पर हमारा घोल बनकर तैयार है, और मैं यहाँ पर तेल भी गर्म होने के लिए पहले ही रख दी थी। अब इस तरह से घोल में बैंगन के टुकड़े को डाल देंगे। तो घोल में चार से पांच बैंगन का टुकड़ा इस तरह से डाल देंगे, क्योंकि हमारा एक बार में ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा। और टुकड़े में अच्छे से बेसन का घोल लगा लेंगे। अब इसको गर्मा गर्म तेल में इस तरह से डाल देंगे। तो यहाँ पर हमारा एक बार में पांच टुकड़े ही फ्राई होगा, लेकिन अगर आपका कढ़ाई बड़ा हो तो आप एक साथ ज्यादा टुकड़े को भी फ्राई कर सकते हैं। डालने के बाद इसको कुछ देर तक एक साइड से पकने देंगे। जब ये एक साइड से थोड़ा सा पक जाएगा, तब हम इसको एक साइड से दूसरे साइड पलटा देंगे। तो इसे बीच बीच में एक साइड से दूसरे साइड पलटाते हुए दोनों साइड से अच्छे से फ्राई करेंगे, और गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे। तो इसको बीच बीच में इस तरह से एक साइड से दूसरे साइड पलटाते रहेंगे, ताकि ये दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो गया है। अब एक छन्नी लेंगे और सारे को इस तरह से छन्नी में छान लेंगे। अब इसको निकाल करके किसी प्लेट में रख लेंगे, और अब बचे हुए बेसन के टुकड़े को भी इस तरह से घोल में डाल देंगे। घोल में डालने के बाद इसको अच्छे से घोल में मिला लेंगे। अब इसको गर्मा गर्म तेल में इस तरह से डाल देंगे। डालने के बाद पकौड़ा को एक साइड से हल्का सा पकने देंगे, ताकि जब हम इसको दूसरी साइड पलटाए तो ये कढ़ाई में चिपके ना। अब इसको एक साइड से दूसरी साइड पलटा देंगे। तो इसी तरह से इसे अलट पलट करते हुए
दोनों साइड से अच्छे से फ्राई करेंगे। दोस्तों अगर आज की ये छोटी सी रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड बैच भी अच्छे से फ्राई हो गया है। तो लीजिए आप इस गर्मा गर्म पकौड़े को अपने मनपसंद चाय या चटनी के साथ मज़े से खा सकती है।